नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक मुलाकात कराऊंगा एक ऐसे शख्स की, बल्कि आप सोचिए, विजुलाइज करिए भारत कितना बड़ा देश। अगर आपसे कहा जाए कि कोई राज्य हो, कोई जिला हो, उसमें आपके जानने वाले, आपकी पहचान करने वाले 50-100 प्रशंसक हर जगह हर राज्य में मौजूद हो, सोचिए क्या पर्सनैलिटी होती होगी ऐसे आदमी की। जिस जगह जाए वहाँ पे लोग उसको दीवाने मिले। ये प्यार देश में कहाँ मिलता है, दुनिया में कहाँ मिलता है? दुनिया के कई मुल्कों में उनके चाहने वाले इंतज़ार करते हैं उनकी बातों का। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं एक ऐसे शख्स से सच में आपको मिलवाऊँगा जिसकी बातों का इंतजार सांस रोक के देश करता है। नाम है रवीश कुमार, किसी परिचय के मोहताज नहीं। शुक्रिया रवीश। शुक्रिया संजय जी, समय दिया आपने। और मैं तो अवार्ड की तो बात आपसे कर नहीं सकता, क्योंकि आपके इतने अवार्ड है, रेडिंग से लेके मैक्सिस से लेकर रामनाथ गोयनका का, आपको खुद भी याद नहीं होगा ना आपको कितने अवार्ड मिले हैं? नहीं, क्योंकि वो अगर गिनने में लग जाऊं, उनकी तारीखों को याद करने में लग जाऊंगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जो रोज़ मुझे पब्लिक के बीच में जाकर बोलनी है, वो भी भूल जाऊंगा। ऐसी उम्र हो गई तो भूल जाता हूँ अब ये तारीख कहाँ याद रखूँ और कौन सा पुरस्कार याद रखूँ। लेकिन जिस दिन जिस वक्त मिलता है उस दिन तो अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। और मुझसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ होता रहे जिससे जो मुझे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको अच्छा लगता रहे। रवीश जी, आप शायद इकलौते पत्रकार होंगे जिसको प्यार करने वाले और जिससे चिढ़ने वाले बराबर सम्मान पर, मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि प्यार करने वाले मुझे ज़्यादा ही नज़र आते रहते हैं। और मजे की बात है, आप अकेले पत्रकारों में जो उसकी आलोचना करने वाले भी लोग उनको सुनते जरूर हैं। ये अच्छी बात है कि अगर मेरी आलोचना करने वाले सुन रहे हैं तो मैं खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा भी है, लिखते भी हैं कि आपकी बातों को सुनकर मैं काफ़ी बदला हूँ, और पूर्व में आपके बारे में ऐसे ऐसे विचार थे, मैं गालियां देता था, लेकिन अब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। और फिर मैं भी उनको लिखता हूँ कि बहुत शुक्रिया, माफ़ी की कोई बात नहीं है, हम लोग तो एक ही देश के सहनागरिक हैं, लेकिन नज़र मुझ पे रखते रहिएगा। लोग कहते हैं कि रवीश के अंदर गुस्सा बहुत है, मतलब जब भी बात करते हैं वो गुस्से से बात करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। और लोगों का एक सवाल ये भी, देश में अच्छा भी तो रहा है रवीश, उस अच्छी बातों को क्यों नहीं करते? अब क्या करें, एक नौजवान मुझसे संपर्क कर रहा है कि उसकी परीक्षा रद्द हो गई उत्तराखंड में, बिहार से नौजवान संपर्क कर रहा है कि उसे पुलिस ने लाठियों से मारा है, मध्य प्रदेश से कर रहा है, राजस्थान से कर रहा है, और देखकर लगता है कि एक ऐसी समस्या है जिसको आप ठीक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं कौन सी ऐसी चीज़ देखूं जो जनता को मैं ये भ्रम में डाल सकूं कि देश में बहुत कुछ हो रहा है। उत्तराखंड में एक दलित युवक मंदिर में खड़ा है, जा रहा है, उसको आप जलती हुई लकड़ियों से जलाते हैं, तो क्या ये अच्छा है? ये क्या इस पे पर्दा डाल के आप कौन सी ऐसी चीज़ कर लेना चाहते हैं जो बहुत अच्छा है? क्या आप सड़क बनाने को अच्छा कहते हैं? वो तो एक ज़रूरी हिस्सा है, उसके लिए किसी खास सरकार की ज़रूरत नहीं, वो बनती रहती है। और इस सरकार में भी आप हाईवे की हालत जाकर देख लीजिए तो बहुत जगह आपको ख़राब हालत मिलेगी, और कहीं नहीं तो आप जाकर आसपास के हाईवे को ही देख लीजिए तो उनकी दुर्दशा जो है अलग अलग जगहों पर आपको नज़र आ जाएगी, बहुत सारी सड़कें ख़राब मिलेंगी। तो अच्छी चीज़ें तो होती ही रहती हैं, एक सरकार के पास हज़ार हाथ होते हैं, करोड़ों रुपए होते हैं, लाखों लोग काम करने वाले होते हैं, तो अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जो वो सरकार नुकसान कर रही है, न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जिनका रिकॉर्ड, जब राज्यपाल थे बंगाल में तो वो किस तरह की भाषा का रिकॉर्ड था, वैसे रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को आप उपराष्ट्रपति बनाते हैं, और फिर बनाने के बाद आप वो लगातार न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं, तो क्या ये उनका काम था? पहले कानून मंत्री ने हमला किया, फिर उपराष्ट्रपति ने हमला किया, तो अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त हो जाए, उसकी हैसियत ख़त्म कर दी जाए, उसके प्रति विश्वास आप कम कर दें, तो और एक हाईवे आप शहर में बना दें, एक नई संसद बना दें, संसद की बहुत खूबसूरत इमारत बना दें, और उसके बीच में आसपास में बहुत सारा मंदिर बना दें, तो आपको लगता है कि धर्म की मर्यादा स्थापित हो जाएगी? क्या धर्म हमें इतना अनैतिक बनाता है, इतना कमज़ोर बनाता है? क्या धर्म की भाषा इतनी ख़राब है? क्या वो धर्म कहता है कि आपकी भाषा जब भी होगी इतनी ख़राब होगी, और आप जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके बारे में इस तरह से बात करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ धर्म की राजनीति की पृष्ठभूमि से आए हैं?
और आप कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी तो आप कर रहे हैं, तो इन बातों को कौन रखेगा? जो असंतुलन है, जो जुल्म है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। जो दीवारें ढहाई जा रही हैं, जो संस्थाएं ढहाई जा रही हैं, वो चंद अच्छी बातों से, सरकार के कुछ अच्छा करने से, उसकी कृपाओं को पर प्रोग्राम करने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम इस वक्त अपने बहुत सीमित संसाधनों से, आप भी कर रहे हैं वही काम, हम भी कर रहे हैं वही काम, और हमारे आपके जैसे कुछ लोग कर रहे हैं, जबकि इतने बड़े देश में हमारे आपके जैसे बहुत सारे लोग होने चाहिए थे करने वाले, और ऐसे लोग स्वतंत्र नहीं, संस्थाओं के भीतर होने चाहिए। क्या संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि जो संस्थाओं के भीतर होगा वो नहीं बोलेगा? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। तो ये तो बताना जरूरी है, जो नुकसान हो रहा है, जो आघात हो रहा है हमारे वर्तमान पर, इतिहास को बदलने के नाम पर, हमारे भविष्य पर, उसको तो आप संजय जी आप कम नहीं आंक सकते हैं। और चूंकि हम और आप एक ही व्यक्ति हैं, तो आप भारत के सभी राज्यों की कहानी, घटनाओं को आप कवर नहीं कर सकते, मैं कवर नहीं कर सकता, हम और आप अखबार का पन्ना तो नहीं है कि पहले से लेकर आखिरी तक आप 20 खबरों के साथ छप गए, लीजिए जी आ गए, हमारा कोई 56 इंच वाला कुछ है, सीना नहीं है तो वो है, ये नहीं तो वो है, वो तो है नहीं। तो वो जरूरी है कि एक पत्रकार लगातार सवालों को सामने रखे। तारीफ के लिए सरकार के पास बहुत बजट है, तो वो रोज विज्ञापन देती है। बाकी चैनल भी तो हैं, रविश अकेले आप ही क्यों बोलते हैं, बाकी तो कोई नहीं बोल रहा है। वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो तो तारीफ ही कर रहे हैं ना, इतने सारे चैनल हो गए, इतनी रोज दिन रात सरकार की तारीफ करते हैं। बिहार में शराब से लोग मर जाते हैं तो 100 कैमरे चले जाते हैं, मोरबी में एक पुल गिरता है वहां लोग मर जाते हैं, 100 लोग मर जाते हैं तो 2 कैमरे नहीं जाते। तो ये जो अंतर है, वो तो बड़े बड़े चैनलों ने बताया था कि मानवीय भूल थी, मोरबी का वो सब कुछ बताया, तो बिहार में मानवीय भूल नहीं हो सकती है। तो ये जो अंतर है वो ठीक है कि जनता का एक हिस्सा नशे में है, लेकिन हमारा काम बता देना है कि भाई इससे आपको रिजल्ट क्या मिला। अब तो 8 साल हो गए, आप बताइए आपको क्या मिला, आप हमसे मत पूछिए, आप अपना हिसाब दीजिए कि आप कई सालों तक 90 रुपया 100 रुपया पेट्रोल का दाम चुकाते रहे, बैंकों के ब्याज कम हो गए, तो इससे आपकी कमाई और बचत में क्या गुणात्मक फर्क आया, आप बताइए ना। फर्क तो आया, देखिए राम मंदिर इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी का इतना भव्य मंदिर बन गया, तो वो चूंकि ये इनका बनना और इन पर जोर देना है ना, ये बता रहा है कि बाकी चीजों में फेल हो गए। अब मंदिरों के उत्थान और निर्माण पुनर्निर्माण को लेकर ही बचा सकते हैं, ताकि वहां आप भगवान का फोटो आगे कर दीजिए। तब आप वो क्यों आगे कर रहे हैं, इसलिए कि हमसे कोई, जो मेरा मूल काम है उसे लेकर कोई सवाल ना पूछे। भगवान का फोटो आप आगे करते और ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते ये रहा राम की तस्वीर हम यहां लगाए हैं, हम इनका, ये मर्यादा पुरुष हैं, इनकी मर्यादाएं हैं, पूरा देश मानता है, पूरा देश जपता है, बहुत सारी खूबियों को लेकर लोग आज भी कहते हैं कि ये चीजें आप में होनी चाहिए, तो आप उनकी तस्वीर लगा देते हैं और कहते हैं कि आपको जो सवाल पूछना है पूछिए, क्योंकि मेरा मूल काम ये है। लेकिन तो भगवान की आड़ में मंदिरों के निर्माण में, मंदिरों के पास बहुत पैसे हैं, कुछ के पास नहीं है, सबके पास नहीं है, लेकिन जिन मंदिरों के पास पैसे हैं वहां क्यों नहीं उन पैसों से विकास हो रहा है? और कई मंदिरों में व्यवस्थाएं पहले से भी अच्छी हैं, क्योंकि लोग बहुत जाते हैं, तो सुरक्षा के कारण, जाने वालों के जान माल का नुकसान ना हो, तो बहुत सारे इंतजाम है। आप गुरुद्वारों में जाइए तो लिफ्ट लगे हैं कि कोई बुजुर्ग को जो अशक्त हो चुका है वो सीढ़ी पर चढ़ के ना जाए, तो एक कुर्सी लगी हुई है जो ऊपर लेके चला जाता है। तो ये सब जो गुरुद्वारे हैं वो अपने पैसे से करते हैं। अब वो सरकार जाकर कहे कि हम यहाँ पर सड़क बना दीजिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन वहां पे आप एक कॉरिडोर बनाने के नाम पे आप ये कहें कि यही हम काम कर रहे हैं। दरअसल जहां जहां आपका काम कर, आपको काम करना था, मेन काम था, देखिए क्या होता है, एक विद्यार्थी जो फेल हो जाता है ना, तो जब पिताजी घर में आते हैं तो अब उसको पता है कि पिताजी पूछेंगे तुम पढ़ाई नहीं किए, गणित में तुमको 10 नंबर क्यों आया, तो वो बाकी काम करने लगेगा, कहेगा हम सब्जी लाने चले गए थे है ना, हम कुड़ाई करने में लग गए थे, बैगन भंटा तोड़ने में लग गए थे, नेनुआ खरीदने चले गए थे, यही वो काम कर रहे हैं कि मंदिरों का सहारा लेकर अपने आप को सवालों से बचा रहे हैं। हमारा काम है हम सवाल कर दें, भाई आपको जवाब देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, आपकी मर्जी। अच्छा आपको क्या लगता है इस सरकार ने सबसे अच्छा काम कौन सा किया है?
अब ये मेरा काम नहीं है बताना कि सबसे बुरा काम कौन सा किया, सबसे अच्छा काम कौन सा किया। ये जीके का जो प्रश्न होता है ना कि इन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दे, ना में दे। मैं वस्तुनिष्ठ वाला नहीं हूं, मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला व्यक्ति हूं। तो इस तरह से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि सबसे अच्छा काम कौन सा किया है। अच्छा, लेकिन आप चढ़ाते भी तो हैं, आपने गोदी मीडिया शब्द आपने तो जरूरी था बताना, क्योंकि मीडिया इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहा था संजय जी, वो कर दिया है। जो लोग गोदी मीडिया देख रहे हैं वो उसमें भागीदार हैं, उस हत्या की प्रक्रिया में। आज न कल वो उनको एहसास होगा और होता भी है। आप दर्शकों को ठहरा, मैं कहता हूं कि भाई आप गोदी मीडिया कैसे देख सकते हैं, आपको नहीं देखना चाहिए। मैं तो इतना इंटरव्यू दे रहा हूं कि मैं भूल गया हूं कि मुझे क्या कहना चाहिए। लेकिन मैं ये इंटरव्यू इसलिए दे रहा हूं कि जो मीडिया का सवाल है वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए 1000 इंटरव्यू देना चाहिए, 1000 जगहों पर जाकर बोलना चाहिए कि आप अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं एक ऐसा काम बताना चाहता हूं जिसमें आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, बल्कि आपके पैसे बचेंगे, पुलिस की लाठी नहीं लगेगी, कोई केस नहीं होगा। आप गोदी मीडिया का सब्सक्रिप्शन हटा दीजिए। इससे अच्छा इस देश के लिए कुछ करने का कोई भी नेता मंत्र नहीं दे सकता है। ये गांधी जी भी नहीं दे सकते थे, जो मैं बता रहा हूं कि आप, हालांकि उन्होंने भी ये बात कही है क्या कि ये अखबार जो है ये चाहे तो दंगा करा दें, इनको मत पढ़ो। गांधी जी ने भी ये बात कही है। इसी लाइब्रेरी में प्रार्थना प्रवचन है, मैं निकाल के दिखा सकता हूं। लेकिन वो गोदी मीडिया कहना जरूरी था। अच्छा, ये शब्द अगर ये नहीं कहते तो लोग जो हैं इस मीडिया को दूसरी निगाह से नहीं देखते। जब कह दिया तो लोगों ने फिर वहां से देखना शुरू किया। जब कहा कि आप टीवी मत देखिए, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने घर से टीवी हटा दिया है। और मुझे उन पर बहुत गर्व है, हटाया कि उन्होंने एक कमजोरी से अपने जीवन में लड़ा। क्योंकि इस देश में देखिए क्या व्यवस्थाएं नहीं है, यह अव्यवस्थाओं का देश है। यहां पर ईमानदार होना सबसे मुश्किल काम है और दलाल होना सबसे स्वीकृत काम है। जब आप ईमानदार होने जाइएगा तो 1000 आशंकाएं आपको घेर लेंगी। जब आप दलाल हो जाएगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब जगह आपको लोग बुलाएंगे कि हमारा काम करा देगा, ये करा देगा। ईमानदार है तो लोग कहेगा ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये केवल अपना सोचता है। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि ये व्यवस्था क्या है। तो अगर आप इस तरह के असंतुलित अव्यवस्थाओं से भरे इस देश में अगर आप चिन्हित करने का जोखिम उठा रहे हैं तो अपने आप को आगे कर रहे हैं, और हमें बताना जरूरी था हमारे लिए कि अच्छा ये शब्द आया कैसे, क्यों आया ये शब्द, तो आना था गोद में बैठे हुए थे तो, आपने किसने पूछा, आपको याद आप? नहीं, आप मोदी से गोदी मत मिलाइए, और आप मिला सकते हैं, वैसे मिल जाता है, मिला रहा है तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वो एम्बेडेड का एक हिंदी शब्द है, और उसको उसका क्या शब्द हो सकता था, तो उसका शब्द था कि ये गोदी मीडिया है। और ये कोई खास दिन का कोई खास घटना, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि इसे आप सिर्फ बिजनेस बना दे रहे थे कि जनता ऐसा चाहती है। जनता क्या खराब देश चाहती है? इस मीडिया में जो जो सरकार, जो गोदी मीडिया, उसमें कौन सा अच्छा भारत दिखता है, उसमें दिखाइए ना। अगर कुछ काम हुआ है तो वहां दिखाइए, वहां भी तो आप नहीं दिखा रहे, वहां भी तो मुद्दों को भटकाने के लिए तमाम मुद्दे वहां दिखा रहे हैं। वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हिंदू मुसलमान तो यही कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ किया नहीं होगा। अगर कुछ किया होता तो आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते, रोज आके बताते कि ये देखिए क्या शानदार काम हुआ है, ये हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है? क्या दर्शकों ने यही कहा कि हम सिर्फ दंगा देखेंगे और हम दंगा ही बनेंगे? अगर उनकी दिलचस्पी सरकार के अच्छे काम में है तो दिखाए, वो कहां दिखाते हैं? अच्छा, आपको अंदाजा था ये गोदी मीडिया पूरे देश और पूरी दुनिया में ऐसा मिर्ची वाला शब्द बन जाएगा, अच्छे अच्छे लोगों में मिर्च लग जाती है? अंदाजा से तो काम करना बहुत मुश्किल है, कुछ बोलना कि क्या अंदाजा होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं ये चाहता था कि जो इस मीडिया के बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो मालिक हैं इसके, उनकी बड़ी ऐश थी। वो अपने गाड़ियों से आ रहे थे, बहुत महंगा पानी पीते हैं, बहुत बढ़िया फल खाते हैं जिससे उनकी सेहत खराब ना हो, लेकिन उनके चैनल पे सबसे घटिया चीजें दिखाई जाती हैं जिससे लोकतंत्र की सेहत खराब हो जाए। तो मैं उनको एक्सपोज करना चाहता था, उन मालिकों को, कि ये जो आप पैसा लेकर, जनता के विश्वास का पैसा लेकर आप जो ऐश कर रहे हैं ना, उसका एक नाम है। तो मैं उनकी पहचान बदल देना चाहता था, और वो पहचान मैंने बदल दी। ये लोग गोदी सेठ हैं और ये लोग गोदी मीडिया है, और ये जनता जान गई है, जनता जान गई है समझ के। भले ही उनके वोटर, प्रधानमंत्री के वोटर वोट देते रहेंगे,
उन चैनलों को देख रहे हैं, पर उनको पता है, उनका विवेक है भाई, ऐसा नहीं है कि वो कुछ उन्होंने सोचना समझना बंद कर दिया है। मैं नहीं मानता, उन्हें पता है कि ये जो मीडिया कर रहा है इस वक्त देश का नुकसान कर रहा है, और अंत में एक दिन उनका नुकसान होगा, हो भी रहा है उन भाई उन, मैं तभी तो मैंने कहा ना कि अच्छा हुआ तो आप बता दीजिए कि आपकी आर्थिक तरक्की कितनी हुई है, आसपास में कौन सा आप बहुत ज्यादा आप बदलाव देख रहे हैं, कुछ तो खास बदलाव है नहीं, आप सड़क से लेकर शहर में आप जाकर देख लीजिए, फ्लाईओवर के तरफ जो आप जो चित्र बनाए गए ताकि शहर सुंदर लगे, क्या हमारी कला और संस्कृति इतनी बेकार है, बेरंग है, देखिए कितना खराब बनाए हैं सब, एक से कलाकृतियों से भरा जा सकता था। अगर आप भारतीय संस्कृति और कला को मौका देना चाहते थे तो उन फ्लाईओवर के नीचे किस तरह की पेंटिंग लगी हुई है, वो पेंटिंग जाकर देखिए जो दिल्ली के सुंदर नगरी में एक यू टर्न टनल जैसा यू टर्न बना है, सुरंग जैसा, उसमें देखिए कितनी खराब पेंटिंग है, कोई अच्छी पेंटिंग है? तो आपका कोई बोध नहीं है, कोई एहसास नहीं है कि कला कितनी खूबसूरत चीज है। इस देश में साड़ियों पर देखिए ना कितनी सुंदर सुंदर आकृति, केवल उन साड़ियों की छपाई या फ्लाईओवर और सुरंगों में कर देते तो अद्भुत रूप से सुंदर लगता। तो रमेश जी, आपके पास देश की हर समस्या के बारे में बातचीत है, तो फिर जो भी समस्या आती है मैं उसके बारे में कम जानता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ लेता हूँ। आप पढ़ लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति को तो राजनीति में आना चाहिए, समस्या का निदान भी कर देगा वो आदमी यहाँ नहीं, ऐसे व्यक्ति को जहाँ है वहां भी रहना चाहिए, वहां के साथ वहां भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, राजनीति में मैं कहता हूँ कि वो किसी के लिए तो बंद नहीं है, वो मेरे लिए भी बंद नहीं है, वो आपके लिए भी बंद नहीं है, है ना। वो तो जो कितने सारे गोदी मीडिया वाले 8 साल हो गए उनको भाव नहीं मिल रहा है इतनी सेवा करने के बाद, वो अलग बात है, आना चाहिए राजनीति में। लेकिन ये तब आना चाहिए था कि राजनीति को इसलिए नहीं समझ के आना चाहिए कि मैं लोकप्रिय हूं, जैसे भोजपुरी गाने के कई स्टार लोकप्रिय हैं, आगे राजनीति में कर कुछ नहीं पा रहे हैं, ना एक ढंग का भाषण है, ना एक ढंग का काम है कहीं पे भी, तो चले आ रहे हैं, तो वो कुछ उल्टा सीधा बोलना है उसी के काम आ रहे हैं, तो पूरी भोजपुरी की जो मर्यादा है उसको आप और गिरा दे रहे हैं, है ना, राजनीति में आकर। तो आप अच्छा क्या कर रहे हैं? तो उसका एक सपना होना चाहिए, और राजनीति में तब जाना चाहिए जब आप में ये यकीन हो कि आप पैदल चलेंगे, हारेंगे तो आप किनारे रहेंगे, और कभी हाशिए पे रहेंगे, कभी मुख्य धारा में रहेंगे। उसका जो श्रम है, राजनेता होने का श्रम, उसको कभी कम नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, राजनेता होने का जो श्रम है ना उसका सम्मान करना चाहिए, वो अलग श्रम है। दिन रात वो चलते हैं, दिन रात यहां से वहां देश की यात्राएं करते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं। मैं एक राजनेता, राजनेता तो ऐसी राजनेता बनता है, सिर्फ वही थोड़ी राजनेता है, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, अच्छा लोग सोचिए, ये लोग काफी दिन भर चलता है, काफी लोगों से मिलता है, तो बिना इस श्रम के ये नहीं चाहना चाहिए कि चूंकि मैं लोकप्रिय हूं तो मैं चला जाऊंगा राजनीति। अच्छा, किसी दिन कल्पना करिए आपके मुंह से अगर 5 मिनट मोदी जी की तारीफ न तो लोगों का कैसे कैसे लगेगा लोगों को? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले पहले। अच्छा, आपको इंटरव्यू देने चाहेंगे तो आप करेंगे? अब क्या देंगे इंटरव्यू, और लेके अब मैं क्या करूंगा? देखिए इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू होता है तात्कालिक प्रश्न को लेकर पूछा जाए। अब आप 10 साल से नहीं दिए, तो अब 10 साल बाद आप इंटरव्यू देंगे तो क्या आप 10 घंटे इंटरव्यू देंगे? नहीं देंगे ना, तो उसमें क्या सवाल पूछेंगे आपसे? अच्छा, एक और एक बिल्कुल एक वैसा सवाल, फोन आया आपके पास में कि हमारी एक अमुक पार्टी आपको राज्यसभा भेजना चाहती है, हाँ, तो आपका क्या जवाब होगा? जब तक मेरा काम चल रहा नहीं जाने वाला हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ना मुझे सपने टेलीविजन के आते हैं कि मैं ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा। सांसद भी एक टेलीविजन तो चला ही सकता है, मतलब लेख लिखते हैं, तमाम लोग लेख लिखते हैं, तो वो तो काम करता, पता नहीं क्यों कि मुझे भीतर से नहीं आता, ये कुछ गोल मोल जवाब है, कुछ किसी गोल मोल जवाब आपको राज्यसभा नहीं जाएंगे आप, मना कर दूंगा। अच्छा, आपको अगर राजनीति में जाना, मेरा मेरी सारी आजीविकाएं बंद कर देंगे, सारे चैनल बंद कर देंगे, तो मैं क्या करूंगा? इसका मैं अंतिम जवाब तो नहीं दे सकता ना। कहां बंद कर देंगे इस समय यूट्यूब? अगर नहीं बंद करेंगे, अगर आप मुझे टीवी वाला बने रहने देंगे तो मैं बना रहूंगा, मैं यही बना रहना चाहता हूँ। यूट्यूब कहां? मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनकी समस्याओं को खूबसूरती से प्रेजेंट करना अच्छा लगता है। बहुत सारे मेरे दर्शक चाहते हैं कि मैं राजनीति में चला जाऊं, राज्यसभा में चला जाऊं, लोकसभा में चला जाऊं, मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं, तो वहां जो काम कर रहा हूं यहां यही कर रहा हूं। अब देखिए, जो राहुल गांधी तो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा इसलिए वो सड़क पे चल रहे हैं, तो हम लोग तो उनसे पहले से सड़क पे बोल रहे हैं। आपने मेहनत का जिक्र किया, मुझे नहीं लगता कि देश में कोई पत्रकार इतनी रिसर्च करता होगा, इतने घंटे करता होगा। आप प्राइम टाइम में, बड़ा लकी हूं कि मैं उस जगह बैठा हुआ हूं जहां पे आपने सालों बैठ के प्राइम टाइम किया है।
एक प्राइम टाइम करने के लिए आपको कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती थी, ये किसी ने पूछा नहीं होगा, पर लोग लेकिन जानना जरूर चाहते हैं कैसे तैयार होता था आपका प्राइम। हाँ, ये मैं तो नहीं कहूंगा कि कोई और नहीं कहता करता है, जरूर बहुत से लोग मेहनत करते हैं। मेरा काम अच्छा हो सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा कोई भी कार्यक्रम श्रम के बिना नहीं है, उसमें काफी मेहनत लगती है। जब मैं करता था तो 6 बजे से ही मैं लिखने लगता था, मैं रोजाना 6 से 7 हजार शब्द लिखता था, टाइप करता था। 7 हजार शब्द रोज लिखता था, हफ्ते में एक PhD के बराबर मैं लिख लेता था, फेसबुक पर लंबे लंबे लेख लिखता था। इधर कुछ महीनों से छोड़ दिया जब मेरे हाथ में दर्द होने लगे, और दर्द लिखने के कारण, हाँ लिखने के कारण हाथ में दर्द होने, बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। तो और मैं बहुत लोगों को जवाब देता हूँ, मतलब उसमें वो शामिल नहीं है, तो कहीं ज्यादा मैं टाइप करता हूँ लोगों को जवाब देने से लेकर। हाँ, मेरे पास, मैं आपको बड़े हैरानी बताऊं, मेरे पास एक रिटायर्ड बैंक के सीनियर अफसर आए, उन्होंने उससे कहा कि हमने रवि जी को ये मैसेज भेजा, रवि जी का जवाब आया, वो इतने खुश थे इस बात से कि रवि जी का जवाब आया। इस तरह बहुत सारे दर्शक, मैं रोज करीब करीब 30 से 40 लोगों को जवाब देता हूँ, और संक्षिप्त जवाब भी और विस्तृत जवाब भी। रवि जी, एक किस्सा था, वो आपने व्यक्तिगत बातचीत में बताया, हालांकि मुझे पता नहीं जिक्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक कैंसर के पेशेंट ने आपको एक मैसेज किया था मुंबई से। हाँ, और उनके उनकी बहू ने लिखा था कि वो उनकी जिंदगी कुछ घंटों की है या कुछ दिनों की है वो नहीं जानती हैं, लेकिन वो प्राइम टाइम देखा करते हैं और अब मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, काफ़ी रोने लगे हैं और मुझसे बात करना चाहती है, उनकी आखिरी ख्वाहिश है। तो मैं अस्पतालों में ऐसे बहुत सारे अपने दर्शकों से बात करता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है जब कोई लिखता है कि मेरी माँ अब नहीं है, वो हर दिन आपका प्रोग्राम देखा करती थी, तो लगता है कि कोई मेरा ही हिस्सा चला गया है। तो ऐसा एक संबंध बन गया है, मैं ऐसे मैसेज को बचा कर रखता हूँ कि मैं खुद फ़ोन करूँगा। मैंने उनसे कहा भी कि आप मेरे से बात करा दीजिएगा, लेकिन चूंकि हजारों फोन आते हैं तो मैं फोन नहीं उठा पाता, और उनका नंबर मैं सेव नहीं कर पाया, मैसेज जरूर सेव कर लिया था तो, लेकिन फिर भी टाटा मेमोरियल के कई डॉक्टरों को, जो भी जानता था, एक दो लोगों को, कोई नंबर सेव होगा किसी का, तो मैंने उनको भेजा, तो उन्होंने कहा इस नाम के तो बहुत सारे मरीज होंगे तो हम कैसे करेंगे। मैंने कहा और तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि उनका फोन आ जाएगा, शायद आपका कार्यक्रम देखने के बाद आ जाए। और मैं डॉक्टर कॉल को कहना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे, आप हौसला रखिए, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं वीडियो कॉल पे बात करूँगा आपसे। बहुत अच्छा। ऐसे ही कोई एक अन्ना व्यक्ति आपके पास में एक बार आया था ना, कुछ खाना वाना लेके आपने कहीं ट्वीट किया था। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, और मेरे ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो मुझे देखते रहे हैं, जो जिनको कई तरह के से देखने की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, नहीं देखने की, किसी को बहुत कम दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता है, किसी को अलग तरीके से दिखाई देता है, तो जिनको हम मिला जुला के विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं, तो उन सब के नंबर अलग से सेव हैं, और उनका जब फ़ोन आता है और उनकी जब डांट पड़ती है कि ये आपने अच्छा नहीं बोला, ये शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए था, तो अच्छा है कि लोग सिखाते हैं, लोग बता देते हैं, क्योंकि वो अगर ना बताएं तो फिर वो गलती मैं 10 बार और कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग हैं जो आ जाते हैं मिलने के लिए भी, और मैं मिलता भी हूँ, और बहुत कमाल कमाल के लोग हैं, मतलब वो लंबे लंबे पत्र भी लिखते हैं और उनको जवाब देना पड़ता है, संपर्क भी है, और मेरी जिंदगी जो है ऐसे दर्शकों से भरी पड़ी है, और मैं काफ़ी संतुष्ट रहता हूँ कि इतना बड़ा परिवार पूरे देश में मिला है, तो इसको मैं दांव पे नहीं लगाना चाहता। ठीक बात। इसके बदले में कुछ नहीं चाहता, मैं इनके लिए चाहता हूँ कि मैं इनके लिए कुछ ऐसा करूं। अच्छा, इनमें से, अगर बहुमत आपको मैसेज करने लगे कि रवि जी हम आपको संसद में देखना चाहते हैं, आपकी तो पूछिए, देखिए आप हमेशा कहते हैं कि मेरा परिवार मेरा दर्शक है, मेरी जिंदगी मेरा दर्शक है। अगर दर्शकों का बड़ा समूह 80% अगर ये आप कैसे कह सकते हैं, वो अभी 80% नहीं कहे, कुछ कहते हैं जरूर, अभी नहीं कहे, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि अगर लाखों लोग आपको ये मैसेज करने लगे
कि तो आप देश का हिस्सा है, मैं कहां कह रहा हूं कि भाई वो देश का हिस्सा है संसद, मैं उसकी गरिमा को इसके महत्व को नकार नहीं रहा हूं। हाँ, लेकिन वो उन दर्शकों को तो मां होने लगे, आपको उन्हें पता है कि मैं चुनाव में जाके मैं पैसे नहीं बांट सकता, मैं शराब नहीं बांट सकता, मेरा सवाल नहीं बोल सकता। मेरा सवाल था कि पॉलिटिकल पार्टी आपको राज्यसभा नॉमिनेट करने के लिए कहे कि आप राज्यसभा जाए, और मान लीजिए मेरी बात पूछ रहे हैं तो ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। अच्छा खुलासा है, दर्शकों को अगर आप चाहते हैं कि आप रवि जी को राज्यसभा में भेजें तो मैसेज करना शुरू करिए कि देश की आवाज जानी चाहिए रवि जी। लेकिन आप देखिए राज्यसभा का सत्र कितना कम चलता है, और मैं अब जैसे ही मेरा इंतजाम सिस्टम ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं ज्यादा बोलूंगा, उससे ज्यादा राज्यसभा में कितना कम बोलने को मिलेगा, सदन में सत्र नहीं चलता है तो आप यहां से रोज बोलिए। रवि जी आप तो क्रांतिकारी वाले लोगों में से हैं, जब राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे तो राज्यसभा के गेट पे खड़े होकर बोला करेंगे, ये तो हम सब जानते हैं आपको।